तो मेरे हिसाब से बहुत हमारा यहाँ पे बढ़िया जो है प्रॉफिट बन गया है, काफी ज्यादा क्रेजी भाई। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। हाय गाइस, मेरा नाम है कबीर खन्ना, और अगर आपको नहीं पता है मेरा एक टेलीग्राम पे फ्री चैनल है जहाँ पे मैं हर एक दिन फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करो और ज्वाइन इन करके पैसे बनाना आज ही से शुरू करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कबीर खन्ना, या फिर आप मेरे को मेरे चैनल के नाम से जानते हो, द देसी ट्रेडर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और अच्छी और इजी स्टार्ट की दिखाने वाला हूं जिसको आप यूज करके काफी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो यहां पे जो है हम यूज करने वाले हैं पैराबोलिक सार्स और RSI इंडिकेटर। हमारी क्लासिक स्ट्रैटेजी है, बहुत ही ईजी रहती है, बिगिनर्स को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। तो इसके साथ आप काफी अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो। आज की मार्केट की कंडीशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम कितना प्रॉफिट यहां पे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको नहीं पता है क्या मैं करता हूं, मैं यार एक देसी ट्रेडर हूं आपका सबका, बट मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, और इस एक्सपीरियंस को मैं यूज कर रहा हूं आप सबको दिखाने के लिए कि आप कैसे ट्रेडिंग में अपना करियर बना सकते हो, या फिर आप इसको एक सेकेंड करियर की तरह रख सकते हो और पैसे बना सकते हो यहाँ पे। उसके लिए मैं आपके लिए वीडियोज तो बना ही रहा हूं, बट मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कॉमेंट्स में मिल जाएगा, जिसको आप यूज करके हर एक दिन फ्री सिग्नल्स पा सकते हो, और उसमें वो यूज करके जो है काफी अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो। तो उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि वीडियो में मैं आपको एक प्रोमो कोड भी देने वाला हूं एक्सपर्ट ऑप्शन के लिए। तो उस प्रोमो कोड से आप क्या कर सकते हो कि 120% अपनी पहली जो है डिपॉजिट पे पा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है 120% का? आप 1000 रुपये जमा करा रहे हो, आपके वहाँ पे डिपॉजिट होंगे 2200 रुपये अगर आप इस प्रोमो कोड को ढूंढ लेते हो वीडियो में, क्योंकि सरप्राइज होने वाला है, और इसको यूज़ कर लेते हो तो आपके जो है 120% पैसे इंक्रीज हो जाएंगे आपके डिपॉजिट पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक, और वीडियो के बाद जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक दिन जो है फ्री सिग्नल्स मिलने वाले हैं जिसको आप यूज़ करके काफ़ी अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। बहुत लोग बना भी रहे हैं। बिना किसी देरी के आज का सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की स्ट्रैटेजी को हम कैसे यूज करने वाले हैं आज की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। ओके गाइस, तो आज का सेटअप कर लेते हैं, 2 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं हम। यूरो यूएसडी है हमारा जो है 1.5 मिनट पे लगाया आज हमने, ठीक है, इसको कंफर्म कर देंगे। 1.5 मिनट पे नहीं, मिनट पे लगाया, और जो है हमारा पहले हम 30 सेकंड्स पे कर रहे थे, आज हम 1.5 मिनट पे जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारी कैंडल जो है 5 सेकंड्स पे सेट है। इंडिकेटर्स आज के लगा लेते हैं, इंडिकेटर्स हमारे होने वाले हैं RSI इंडिकेटर, इसमें कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं, पीरियड को 10 कर लेंगे। और हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है सिंपल एंड ईजी जो है हमारा पैराबोलिक सार्स लगा लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट हमारी ओवरसोल्ड कंडीशन में चल रही है, और इसके बाद जो है मार्केट मेरे हिसाब से ऊपर जानी चाहिए, तो वेट करते हैं, देखते हैं। मार्केट अभी तो नीचे के नीचे की तरफ ही जा रही है, तो यहाँ पे एक अपर ट्रेंड हमें दिख रहा है, तो इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और ले रहा हूँ मैं एंट्री पॉइंट, बट मार्केट और भी ज्यादा नीचे जा रही है। भाई इतनी ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन, तो मैंने यहाँ पे डबल डाउन कर दिया अपना, 1 लाख रुपए मैंने अप पे लगाया था, और मेरे को दिख नहीं रहा है कि मार्केट जो है और ऊपर जाने वाली है। तो टू स्टॉप ऑल ऑफ द लॉसेस यहाँ पे जो है मैंने अभी नीचे का ट्रेड लगा दिया है। काफी ज्यादा क्रेजी भाई। ओके, तो हमने शायद जल्दबाजी कर दी यहाँ पे, क्योंकि जो मार्केट है वो ज्यादा कंप्लीटली डाउन भी नहीं जा रही थी, और ऊपर जाने की संभावना भी बहुत कम लग रही थी।
तो यहाँ पे जो है मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से मैंने अपना जो है ऊपर नीचे का दोनों लगाया कि हमारे जो है लॉसेस कम से कम हो, बट हमारा यहाँ पे विन ही होने वाला था। अगर हम ऑल इन ऑल देखें तो 10,000 रुपये हमने यहाँ पे लूज कर दिए हैं, बट हमें थोड़ा सा पता लग गया कि जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बेयर्स के कंट्रोल में थी, बट अब जो है मार्केट ऊपर की तरफ उठ रही है। तो यहाँ पे जो है अभी मार्केट जो है फिर से डाउन जा रही है, तो मैं बेयर्स पे अपने पैसे लगाना चाहूँगा कि वो जो मार्केट है वो मार्केट को डाउन ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डाउनवर्ड ट्रेड पे ही अपने पैसे लगाए हैं 50,000 रुपये, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं मार्केट कहाँ पे जाएगी, कैसे क्या होने वाला है। बट होपफुली यहाँ पे जो मार्केट है वो नीचे ही जाने वाली है, जैसा हमने अभी प्ले देखा है अपने बेयर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को नीचे की तरफ रख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर भी जाएगी तो थोड़ी देर बाद वो मेरे हिसाब से नीचे आ जानी चाहिए फिर से, या फिर हमारा पावर प्ले यहाँ पे जो है चेंज हो गया है और जो मार्केट है वो नीचे की तरफ जा सकती है, मतलब ऊपर की तरफ जा सकती है। बट आई थिंक कि जो हमारे बेयर्स हैं उनकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जा रही है वो साथ के साथ मार्केट को नीचे की लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे एंट्री पॉइंट के ऑलरेडी क्लोज आ चुके हैं, हमने ब्रेक थ्रू भी कर दिया था अपने एंट्री पॉइंट से, ऊपर की तरफ चली गई थी मार्केट, बट फिर से जो है मार्केट नीचे 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 की तरफ आ रही है। ओके नीचे नाइस, आखिरी कैंडल, ओके तो गुड, हम ऑलरेडी जो है प्रॉफिट में आ गए 30,000 रुपये के। तो पहला जो ट्रेड है हमने बहुत यहाँ पे बेवकूफ़ी की थी, जो अपना जो हमने वेट नहीं किया और लॉसेस के रोकने के चक्कर में हमने जो है अपना प्रॉफिट भी जो है वो कम कर लिया, और वहाँ पे जो है हमने 11,000 रुपये का लॉस कर दिया था, बट यहाँ पे जो हमने वो रिकवर भी कर लिया लॉस, और जो हम प्रॉफिट में भी आ गए हैं। सो दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। तो अभी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम कितना ज़्यादा और बैलेंस को बढ़ा सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से और जो मार्केट की कंडीशन है उस हिसाब से। अभी जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही है ओवरबॉट कंडीशन में, और मैं जहाँ पे एंट्री पॉइंट लेना चाहता था वहाँ से मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है, तो थोड़ा सा और ऊपर जाने दूंगा क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से ऊपर जा सकती है। ओके थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऊपर, बस यहाँ पे जो है मैं एक डाउनवर्ड ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट इसके बाद जो है नीचे को गिर रही है और बेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैं बेयर्स के पूरे पूरे हक में अपने जो है पैसे लगा रहा हूँ मार्केट को नीचे को लेके जाने में। ओके मार्केट ऊपर उठ रही है यहाँ पे, बट बेयर्स हमारे यहाँ पे उठने नहीं दे रहे हैं एज एक्सपेक्टेड। वी आर सीइंग अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, बट रेजिस्टेंस ये ब्रेक भी हो सकती है क्योंकि जो हमारे बुल्स हैं वो भी हमारा काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर बना रहे हैं और उन्होंने ब्रेक कर दिया है। ओके तो यहाँ पे हमारा 50,000 रुपये का लॉस हो गया। तो आज का ट्रेडिंग सेशन काफी अच्छा नहीं चल रहा है। हमारी पहली ट्रेड ही हमने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी ना यार, जो ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे जो है मैं एक फिर से डाउनवर्ड ट्रेड ले रहा हूँ, मार्केट थोड़ा सा अगर और ऊपर जाएगी तो मैं वहां पे एक और डाउनवर्ड ट्रेड लेना चाहूंगा यहाँ पे। ओके अब वेट करेंगे। क्योंकि हमारे बुल्स जो हैं मार्केट को इतना ऊपर इतने ऊपर लेवल पे अभी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और हमारे बेयर जो हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव सीन वो नीचे को यहाँ पे जो है खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ पे पीक पे पहुँचाने की कोशिश कर चुके हैं बुल्स और वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, बट हमारा बाइंग प्रेशर भी ठीक ठाक चल रहा है अभी, तो यहाँ पे हमारे बेयर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट मार्केट जो है नीचे 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 की तरफ जा रही है।
सो दैट इज गुड. ओके नाइस. 15 सेकंड मोर, 10 सेकंड मोर एक्चुअली. ओके नाइस नाइस नाइस. स्टे डाउन. ओके तो मेरे हिसाब से बहुत हमारा यहाँ पे बढ़िया जो है प्रॉफिट बन गया है. और हमारी स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई थी और उसके बाद जो है लॉसेस भी हुए, बट हमने फिर भी पैसे बना लिए हैं. और मेरे हिसाब से अभी के लिए जो है मैं सही माइंडसेट में नहीं हूँ, तो हम प्रॉफिट में 70-72 हज़ार रुपये के एक्चुअली. और मैं अभी के लिए यहीं पे रोकना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए इसके बाद. हमने बहुत बड़ी गलती की थी वहाँ पे, आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है. बट ऑल एंड ऑल हम प्रॉफिटेबल हैं अभी भी और हमने 72 हज़ार रुपये बनाए हैं. दैट वॉज अ वेरी सिली एंड बिगिनर्स मिस्टेक, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी. तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो हमने फिर भी प्रॉफिटेबल है. बट अभी के लिए मैं सेशन यहीं पे एंड करना चाहूँगा. ओके गाइस, तो आई वुडन्ट से दैट दिस वॉज अ परफेक्ट ट्रेडिंग जो है हमारा सेशन रहा. बट ऑल इन ऑल जो है हमने यहाँ पे पैसे ज़रूर बनाए, बट बहुत ही जो है हमारा एक कैसे बोलेंगे इसको, ज़्यादा स्टेबल नहीं था. कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि मार्केट कैसे जा रही है. और जो है हमने पहली ट्रेड में बहुत बड़ी गलती की. ऐसी आपको गलतियाँ नहीं करनी है क्योंकि हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली वो जो है स्टॉप लॉस करने के चक्कर में, और अपनी स्ट्रैटेजी पे जो है भरोसा नहीं रखा और अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं रखा. तो मेन थिंग जो रहती है हमारी लाइव ट्रेडिंग में यही रहती है कि आप जो है अपने एनालिसिस पे आप अपनी जो है सब जो है इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशंस पे भरोसा रखना है, ठीक है, और मार्केट के हिसाब से चेंज और अडाप्ट भी करना है, ठीक है. तो वही मैंने करने की कोशिश की थी, बट मेरा फोकस नहीं था अच्छे से. हम प्रॉफिट में ज़रूर हैं, बट मैं इसको एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन नहीं बोलूँगा. और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मेरी भी गलतियों से सीखो. अपने पैसे लूज़ करने से अच्छा है कि भाई दूसरों की गलतियाँ भी देखो और उनसे भी सीखो, ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है ट्राई नहीं करना है. ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, मैं पहले भी बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, बट मार्केट की कंडीशंस आर डिफरेंट थी, तो इसलिए जो है हमारा इतना अच्छा ट्रेडिंग सेशन नहीं रहा. बट अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, कमेंट डाउन बिलो फीडबैक दो भाई क्या कैसे लगा, और आपके कोई क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछ सकते हो. टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड मेक श्योर टू हिट दैट घंटा आइकन ताकि जो है जब भी मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता लग जाए और आप इन वीडियोज़ को देख के अच्छे से प्रॉफिट बनाना सीख लो और बहुत सारे पैसे बनाओ. आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में.